तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं TVS Ronin का, जो कि BS6 OBD2 अपडेट के साथ आ चुकी है, देख सकते हैं आप। आज इस वीडियो में हम इसकी पूरी डिटेल रिव्यू कवर करने वाले हैं, इसकी प्राइस, इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस, इसकी माइलेज, जितनी भी इसकी चीज़ें हैं, और इसका पूरा वॉक अराउंड, इसमें क्या क्या फीचर मिल जाते हैं आपको। और जो है, इस TVS Ronin में 3 मॉडल आते हैं। जो टॉप मॉडल है वह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। ये जो इसका मिड वेरिएंट है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो, और साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सो शुरू करते हैं आज का रिव्यू। सो गाइस, शुरू करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल, देख सकते हैं आप ऐसी कुछ इसकी फ्रंट प्रोफाइल है। यहाँ पर हमारे को जो है लाइट, इसकी फुल LED सेटअप मिल जाता है, और यहाँ पर हमारे को TVS का TV बना हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हाई बीम और यहाँ पर लो बीम, और देख सकते हैं इसके इंडिकेटर जो कि आपको LED में मिल जाते हैं। और अब आ जाते हैं इसके सस्पेंशन पे, इसमें हमारे को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, और यहाँ पर इसके मड गार्ड में हमारे को ये जो फाइबर का मिल जाता है। और आप देख सकते हैं इसका टायर, फ्रंट टायर जो कि ब्रॉड सा एकदम, और देख सकते हैं, और यहाँ पर जो हमारे को डिस्क ब्रेक मिल जाती है विद ABS, और जिसके फ्रंट टायर की प्रोफाइल हमारे को मिल जाती है, वो मिल जाती है हमारे को 17 इंचेस के हमारे को इसके फ्रंट टायर मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमारे को इंजन प्रोटेक्टर भी मिल जाता है नीचे, और ऐसे कुछ इसका इंजन मिल जाता है। यहाँ पर क्रोम में TVS की बैजिंग, और देख सकते हैं आप इसका टैंक, यहाँ पर हमारे को TVS मिल जाता है, और जो इसका ब्लू कलर है, और यहाँ पर फ्यूल टैंक के अराउंडिंग हमारे को सिल्वर सी फिनिशिंग मिल जाती है, और यहाँ पर एक रेड सी स्ट्रिप, और यहाँ पर हमारे को सिल्वर सी फिनिशिंग मिल जाती है, और यहाँ पर हमारे को Ronin की बैजिंग मिल जाती है ब्लू कलर में। और देख सकते हैं आप इसका ये, जो कि यहाँ पर जो फुट रेस्ट भी एडजस्टेबल है, और ये लेडीज़ फुट रेस्ट जो कि एडजस्टेबल है। और अब देख सकते हैं आप इसका एग्जॉस्ट, जो कि एकदम सिल्वर सी फिनिशिंग में आ जाता है पूरा। और देख सकते हैं आप इसकी बैक प्रोफाइल, यहाँ पर हमारे को एक LED की लाइट मिल जाती है, बैक में भी LED सेटअप है, और यहाँ पर इंडिकेटर भी LED में। इसमें जो हमारे को पीछे ABS नहीं मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलती है, ABS जो है पीछे हमारे को टॉप मॉडल में इसमें मिल जाता है। और यहाँ पर जो पीछे है, यहाँ पर हमारे को मेटल में मिल जाते हैं, यहाँ पर TVS की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पर नंबर प्लेट होल्डर, यहाँ पर नंबर के लिए लाइट, और पीछे का टायर भी देख सकते हैं आप बहुत ब्रॉड है। और पीछे वाले टायर की प्रोफाइल हमारे को मिल जाती है 17 इंचेस की, देख सकते हैं आप इसकी साइड से। यहाँ पर और यहाँ पर हमारे को इसमें चेन कवर में मिल जाता है, और यहाँ पर इसका साइड स्टैंड जो कि कटआउट सेंसर के साथ है, और ये इसका गियर नॉब, इसमें हमारे को जो 5-स्पीड गियर मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। ये यहाँ पर हमारे को स्पीड गियर, यहाँ पर हमारे को पावर इको मोड जो है मिल जाते हैं हमारे को, और यहाँ पर हमारे को RPM मीटर 12,000 RPM तक ये मिल जाती है। और आ जाते हैं इसके हैंडल बार में, यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे को यहाँ पर मोड का बटन मिल जाता है, यहाँ पर हमारे को इंजन किल स्विच, हज़ार लाइट का बटन, और यहाँ पर हमारे को स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। इस तरफ हमारे को हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, और ये हॉर्न, और यहाँ पर पास स्विच। इस वाले मॉडल में हमारे को सिंगल टोन में सीट मिल जाती है, और यहाँ पर हमारे को जो ग्रैब हैंडल है अभी इंस्टॉल नहीं करा गया है, ग्रैब हैंडल में मैं आपको दिखा दूँगा, पिक शेयर कर दूँगा नहीं तो। और जिसके टॉप मॉडल में हमारे को डुअल टोन में सीट मिल जाती है, इसमें हमारे को जो फुल सिंगल टोन में मिल जाती है स्टिचिंग के साथ। गाइस, अब बात कर लेते हैं इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस की। इसमें जो हमारा 225.9 cc का ऑयल कूल्ड सिंगल स्टैंडर्ड 4-स्ट्रोक 4-वाल्व इंजन मिल जाता है, जिसकी मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करता है वो है 20.4 PS की 7,750 RPM पर, और जो ये मैक्सिमम टॉर्क गाड़ी निकाल के देती है वो है 19.93 Nm का 3,750 RPM पर, देख सकते हैं। और ये थी इसकी इंजन प्रोफाइल। इसकी स्पीड गियर जो मिल जाते हैं हमारे को वो है 5-स्पीड गियर मिल जाते हैं इसमें हमारे को। और इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आपको बताना भूल गए, इसमें हमारे को जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी हमारे को 14 लीटर्स की मिल जाती है। और दे देते हैं आपको अब इसका वॉक अराउंड।
सो ये व्हीकल प्रोवाइड करा हमारे को आइंसर टीवीएस ने। इनका जो शोरूम है वो दिल्ली में देवरी रोड में पड़ जाता है। इसका जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो आपको जो इनका नंबर है वो स्क्रीन में शो रखा होगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टीवीएस की व्हीकल चाहिए हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू टू आइंसर टीवीएस। और आज की वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं। उससे पहले इसका ऑन रोड प्राइस बता देते हैं, ऑन रोड तो नहीं एक्स शोरूम बताते हैं अभी के लिए, क्योंकि ऑन रोड है जो वो मतलब स्टेट टू स्टेट कैरी करता है कि कितना आपके टैक्सेस लग रहे हैं, कितने आपके चार्जेस लग रहे हैं। सो उसका एक्स शोरूम प्राइस जो पड़ जाता है हमारे को वो है 1,56,000। सो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं। सो अगर आपको आज की वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।